जय हिंद फ्रेंड, वेलकम है फैंटेसी गुरु केडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आइए हम बात करने वाले हैं जो लंका प्रीमियर लीग का सातवां मैच खेला जाएगा, जो कि कोलंबो स्टार्स वर्सेस गलीगटर्स के बीच खेला जाने वाला है। कोलंबो स्टार्स अपनी दो मैच में से एक विन करके आ रही है और एक लॉस करके आ रही है, और गलीगटर्स अपने दोनों की दोनों मैच लॉस करके आ रही है। तो ऑन पेपर देखा जाए तो कोलंबो स्टार्स काफ़ी स्ट्रांग है, बट अभी एक भी गलीगटर्स मैच नहीं जीता है, तो हो सकता है कि आज ये जीतने के लिए कोशिश करें और जीत भी जाए, क्योंकि इनका अभी एक भी विनिंग अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, तो थोड़ा इस पर ध्यान रखना। और हाँ, अजय साहब को पता है कि जो टॉस जीतता है वही पहले फील्डिंग लेता है, और रन चेज करना काफ़ी इजी होता है इस पिच पे। आइए हम प्लेइंग 11 के बारे में जानते हैं, देखते हैं कौन सा प्लेयर हमें स्मॉल लीग और कौन सा प्लेयर हमें ग्रैंड लीग विन करवाने में काफ़ी हेल्प होगा। ओपन करने आएंगे निरेशन डिकवेला, विकेट कीपर सेशन से, उसके साथ आएंगे एंजेलिया मैथ्यूज जो टीम के कैप्टन भी हैं, जो कि निरेशन ने 62 रन बनाया 41 बॉल में, काफ़ी अच्छी खासी पारी खेल के गए, कम बॉल पे 50 रन बना के गए। उसके बाद एंजेलिया मैथ्यूज टीम के कैप्टन है जो कि ओपन करने आएंगे निरेशन के साथ, 4 रन बनाए। उसके बाद आएंगे नवोद परविथाना जो कि 0 रन बना के आउट हो गए, 0 रन के अपना पहली बॉल पे आउट हो गए। उसके बाद आएंगे चरित असलंका जो कि 6 बॉल पे 6 रन बनाए। उसके बाद आएंगे रफी भोपारा जो कि 26 रन बनाए अपनी टीम के लिए। उसके बाद आएंगे दिनेश चंडीमल जो कि 23 बॉल में 38 रन बना के काफ़ी अच्छी पारी खेल के गए। उसके बाद करीमा जनत जो कि 12 बॉल में 18 रन बना के गए। उसके बाद आएंगे सोरंगा लकपल जो कि 3 बॉल में 6 रन बना के आए। उसके बाद आएंगे वेंडरसे जो कि 2 बॉल पे 5 रन बना के गए। ये हो गई उसकी कोलंबो स्टार्स की बैटिंग कार्ड, बैटिंग के बॉलिंग कार्ड। एंजेलो मैथ्यूज 1 ओवर 10 रन, पार्ट टाइमर बॉलर है। उसके बाद है लकपल, 4 ओवर अपने स्पेल के पूरे कंटिन्यू डालेंगे ये। उसके बाद है डोमिनी, ये भी अपने ओवर के 4 ओवर पूरे डालेंगे। उसके बाद आए नवीन उल्हक जो कि ये भी अपने ओवर के 4 ओवर पूरे डाले, अपने स्पेल के पूरे बॉलिंग डालेंगे। उसके बाद आएंगे चेतन श्रीलंका, ये भी पार्ट टाइमर बॉलर है और काफ़ी अच्छा बॉलिंग कराया, 1 ओवर में 3 रन, पता नहीं इसको आगे बॉल क्यों नहीं दिया गया। उसके बाद आएंगे वंडर साइन जो कि 2 ओवर 19 रन। उसके बाद रवि भोपारा 1 ओवर 7 रन। उसके बाद आए करीम जनत जो कि 3 ओवर 2 विकेट। इनके बॉलर इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोमिनी हो गए, नवन इल्लक हो गए और लकमल, और नीचे से जगत, ये 3-4 बॉलर है जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे आपके बैटिंग कार्ड में ही मिल जाएंगे, बट एक दो को छोड़ के। ये हो इनके बैटिंग स्टेटस। आइए अब गलीगटर्स 11 के बारे में जानते हैं। धनुष्का जो कि 0 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद आए कुशल मैंडिस, 3 के कैप्टन है, 14 रन बनाए। उसके बाद आए थे अजमल खान, 4 बॉल पे 1 रन, कुछ अच्छा खासा नहीं करा, मगर इस मैच में हाई चांसेस है ये तीनों बैट्समैन काफ़ी अच्छा करने की। उसके बाद आएंगे फर्नांडोस जो कि 13 रन बनाए और अच्छा खासा 8 बॉल में अच्छा खासा खेल कर। उसके बाद आए इत्यार अहमद जो कि 2 बॉल 0 रन। उसके बाद आए मोविन सुभाशंका जो कि 38 बॉल में 40 रन, काफ़ी टिकी हुई पारी खेली और अपनी टीम को भी संभालने की काफ़ी अच्छी खासी कोशिश की। उसके बाद आएंगे इमाम वशीम जो कि 34 रन बनाया। उसके बाद आए रियाज जो कि 9 रन बनाया। उसके बाद आएंगे थरंगा 6 रन। उसके बाद आए प्रदीप 2 रन, ये इनको हो गए बैटिंग कार्ड के स्पेल। आज ऊपर के 3 बैट्समैन हो सकते हैं आज अच्छा खासा करके दे आपको। उसके बाद आए महावीर रियाज, 3 ओवर और 1 मैडन दिया, कोई विकेट नहीं लिया, मगर अपनी स्पेल की ओवर काफ़ी अच्छा खासा डाले। उसके बाद आए प्रदीप जो कि 3 ओवर 2 विकेट। उसके बाद थरंगा 3 ओवर 1 विकेट। उसके बाद है वशीम जो कि 3 ओवर 1 भी विकेट नहीं। फिर इत्यार अहमद पार्ट टाइम बॉलर है और थरंगा ये भी पार्ट टाइम बॉलर है, तो इन्होंने भी अच्छा खासा किया, मगर इनका ये नहीं लगता कि जो कम ओवर डालते हैं विकेट ले जाते हैं उनको अगला ओवर क्यों नहीं दिया जाता है, कल के हिसाब किताब है भाई इनका, कई बार तो 8-8 9-9 बॉलर को यूज़ कर लिया जाता है। आइए एक डेमो टीम बना के दिखा दूँ। बैटिंग सेशन से हम लेंगे डिगवेला को और मैंडिस को, इम्पोर्टेंट रहेंगे भाई, और उसके बाद
अजमल को भी ले सकते हैं, देखेंगे जैसे या तो मैंडिस या तो अजमल, अजमल जीरो पे गया था तो ज़्यादातर चांसेस है आज अच्छा करने का। चंडीवल भी चार चार बैटिंग ऑर्डर विकेट कीपर सेशन से खेल रहे हैं। ये होगा डिसीजन जब टॉस के बाद, तब देखेंगे क्या ऐसी टीम देना है क्या देना है, कौन सी टीम हमारे लिए अच्छी रहेगी। फिलहाल के लिए दो ही लेके चलता हूँ, उसके बाद आएंगे मैथ्यूज इत्यार जो कि पार्ट टाइम का बॉलर करते हैं, मगर इसका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है और सिलेक्शन भी हाई है। उसके बाद असलंका फर्नांडो, ये तो होने चाहिए, वसीम भी होने चाहिए, उसके जगत भी होने चाहिए। और बॉलिंग का सोचे प्रदीप महा रियाज, उसके बाद डोमिनी, ये हो गए। अगर आज के मैच में सनंका खेलते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और रंजीता भी स्क्वाड में आ गए हैं तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। देखते हैं टॉस के बाद लाइनअप के बाद किसका स्क्वाड आता है, उस तरह से देखेंगे टीम बना के हम आपको देंगे। और जो सबका कैप्टन वो हमारा होगा, और जो सबका वाइस कैप्टन, इसके बैटिंग ऑर्डर नीचे है बट इसको सिलेक्शन हाई है, तो आज ज़्यादातर देखना गैलीगेटर्स के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, इख्तियार अहमद या फिर फर्नांडो, इनमें से लेंगे बैटिंग के बाद। वैसे तो चॉइस है लेने के बॉलरों को अच्छा रहेगा, क्योंकि एक आध दो विकेट लेके गया तो अच्छा रहेगा। ये हमारे कोई डेमो टीम, जो भी फाइनल टीम होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कराना बिल्कुल ना भूलें। आपको टॉस के बाद फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों की टीमें मिल जाएगी। और आपने इस वीडियो के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उन पे जाके ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।